तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉन आईटी प्रोफाइल से अगर आप आईटी प्रोफाइल में स्विच करना चाहते हो तो आपके लिए बेस प्रोफाइल कौन सी हो सकती हैं, बेस अपॉर्चुनिटीज कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं या आपके लिए कौन सा सूटेबल प्रोफाइल आएगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे सी वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि नॉन आईटी से जैसे कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है या कोई और भी ग्रेजुएशन आप मान लो जो कि नॉन आईटी का है जिससे आईटी का कोई लेना देना नहीं है दूर तक, क्या वो कैंडिडेट आईटी में आ सकते हैं कि नहीं, पहले तो हम इस पॉइंट पे बात करते हैं कि एक हायर लेवल का कोडिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तो इन प्रोफाइल्स में नॉन आईटी के कैंडिडेट आपको कम मिलेंगे, बट इसके अलावा जो अदर प्रोफाइल्स हैं उसमें आपको वो कैंडिडेट बहुत मिल जाएंगे, मतलब आईटी में ही नॉन आईटी के बंदे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, इवन जिन्होंने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, तो इस तरीके के कैंडिडेट्स में बहुत मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ बेसिक प्रोफाइल्स के बारे में कि जिसमें आप इजीली मूव हो सकते हो और कुछ टाइम में ही पढ़ के एक आईटी की जॉब आप पा सकते हो, जिसमें सबसे पहले इजी प्रोफाइल है टेक्निकल हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव। टेक्निकल हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव एक ऐसी प्रोफाइल है जिसको आप 15 से 20 दिन 25 दिन पढ़ के ईजिली जॉब पा सकते हो, जिसमें होता है जो TSDK का जो बेसिकली काम होता है वो टिकटिंग टूल को मैनेज करना एंड टिकट्स को असाइन करना। ज़्यादा डिटेल में अगर चाहिए तो आप इस पर वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे कि TSDK का काम क्या होता है। दूसरा इसी का प्रोफाइल होता है सपोर्ट का प्रोफाइल, जहाँ पे आपका टेक्निकल सपोर्ट होगा, आईटी सपोर्ट होगा, डेस्कटॉप सपोर्ट होगा, तो ये आपकी एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आप 1.5 से 2 महीने पढ़ने के बाद कोई आप इंस्टीट्यूट छोटा मोटा से ज्वाइन कर लो जहाँ 10-12 हज़ार की फीस हो, प्लेसमेंट के चक्कर में वहाँ से मत पढ़ना, स्किल्स लो और इसके बाद आप जॉब लो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 50-60% के आसपास आप रेशियो देखोगे, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको वहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बंदे मिल जाएंगे जो कि सपोर्ट में जॉब कर रहे होंगे, तो आपको इजीली सपोर्ट का जॉब मिल जाएगा। एंड कुछ और भी प्रोफाइल्स हैं, जैसे आप बेसिक लिनक्स में जा सकते हो, विंडोज सर्वर कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकते हो जिसको हम बेसिकली डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, एंड इसके अलावा आप क्लाउड में भी जा सकते हो, चाहे AWS हो या Azure क्लाउड हो, गूगल क्लाउड हो, अलीबाबा क्लाउड हो, आप क्लाउड में भी इजीली मूव हो सकते हो, और आप नेटवर्किंग में जा सकते हो, विंडोज सर्वर का मैंने आपको बता दिया, जो MCSA वगैरह होता है, विंडोज सर्वर, NCCNA जो वगैरह होता है उसमें आप जा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रोफाइल हैं, ये मैंने आपको कुछ प्रोफाइल्स बताई हैं, शायद 5 से 6 प्रोफाइल्स आपको बताई हैं जहाँ पे आप नॉन आईटी से आईटी में इजीली मूव हो सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने काम करने के बाद अपने आप पे, 2 से 3 महीने आप ट्रेनिंग करो उसके बाद आप इजीली मूव हो सकते हो किसी भी आईटी प्रोफाइल में। एंड आपका सबसे पहले मुद्दा ये होना चाहिए कि आप आईटी प्रोफाइल में मूव हो, इसके बाद आपकी जो डिजायर्ड प्रोफाइल है जो आपको चाहिए या जिस पे आपको काम करना है, चाहे कोडिंग हो, डेवऑप्स हो, AWS हो, जिस किसी भी प्रोफाइल में जाना है आप इजीली मूव हो सकते हो, बट आप एक आईटी की जॉब से स्टार्ट करो, जब फ्रेशर आप जॉब लो, और नो डाउट आपको बीए के बाद भी जॉब मिल जाएगा, बीकॉम के बाद भी जॉब मिल जाएगा, उस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, बट आप स्किल्स बनाओ, क्योंकि सपोर्ट की जॉब में आपका ग्रेजुएशन इतना मैंडेटरी नहीं होता, 90% कंपनीज आपको हायर कर लेंगी, सिर्फ 10% की कंपनी जैसी होंगी MNCs की मैं बात करूँ जो बहुत बड़े ब्रांड है अपने, हो सकता है वो हायर ना करें लेकिन 90% आपको ज़रूर हायर कर लेंगी जो कंपनीज हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप पे पिंग कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।